हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इधर फरीदाबाद पुलिस ने एटीएम की क्लोनिंग के मामले में लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस गैंग के चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से दो लोग शॉपिंग मॉल में काम करते हैं। ये ग्राहकों के एटीएम का डेटा कॉपी कर उसकी क्लोनिंग कर लेते थे और फिर उनके अकाउंट में पैसे ये निकाला करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अब तक कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और इन लोगों के खिलाफ 5 मामले पहले भी दर्ज हैं। इनके पास से MRS मशीन, लैपटॉप और मिनी DX मशीन बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच DLF के द्वारा जो क्लोन ATM कार्ड तैयार करते हैं उस गैंग का खुलासा किया गया है। इसमें दो लड़के हैं, नरेंद्र और राहुल, जो सेक्टर 12 के अंदर मॉल है उसमें काम करते हैं। तो ये लोग एक जो कार्ड रीडर्स से डाटा कॉपी कर लेते हैं, तो वो पूरा डाटा जो है उनके अंदर ब्लैंक ATM कार्ड में इस डिवाइस के माध्यम से DSR के माध्यम से उसके अंदर ट्रांसफर करके और क्लोन ATM कार्ड तैयार करते हैं। इनके बाद रिमांड के ऊपर लेके फर्दर पूछताछ की जाएगी। अभी तक जो हमारे पास जो केसेज रजिस्टर्ड थे फरीदाबाद में, वो 5 केसेज तो हमारे सामने आए हैं, लेकिन इन्होंने काफी वारदात को अंजाम दिया हुआ है।